ज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेडियो लोग मुझे लेवल है, CA exam का, उसको आपने किस तरीके से खुद से पढ़ाई करके किस तरीके से आपने खुद को डिसिप्लिन रखने खुद से क्लियर कर दिया है सीए इंटरमीडिएट वो भी एक एक ग्रुप दिया था मैंने बहुत ग्रुप साथ में नहीं दिया था

लाइक कर जाएगा लाइक करेगा एम करते हैं 100 लाइक के लिए मुझे पता है आप लोग करा देंगे तो करवा दीजिएगा ठीक है स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी डिले का हाउ आई क्लियर माय सी इंटरमीडिएट बाय सेल्फ स्टडी YouTube का मदद लेके मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी नहीं लिया तो YouTube का मदद लेके मैंने किया है अब देखो है, क्या क्या यहाँ पे आता है फैक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज आता है कॉलेज का यहाँ पे कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग रेगुलर कॉलेज लिए हैं उनको बी कॉम ऑनर्स मैंने हर बार कहा है कि बी कॉम ऑनर्स को सामने रखना मतलब प्रीफर करना अब बी कॉम ऑनर्स में आप लोग अगर लिए हैं तो आपका आधा काम मतलब सेवेंटी परसेंट ऑफ का काम अगर हो गया है आपका हो गया क्योंकि बी कॉम ऑनर्स का जो सिलेबस है वो सी ए का बहुत ज़्यादा सिलेबस मेल जुल करता है मेरा क्या गो थ्रू था मैं आपको पूरा टाइम टेबल के बारे में बता देता हूं कि स्टार्टिंग से मेरा क्या था मैं स्टार्टिंग का सुबह जो आठ बजे वाला क्लास है मैं वो कभी अटेंड नहीं करता था क्योंकि उसमें इंग्लिश का क्लास होता था या फिर कुछ इन्वायरमेंटल स्टडीज का क्लास हो जाता था इसलिए मैं कभी अटेंड नहीं किया क्योंकि मुझे रात में ज्यादा टाइम लगता है पढ़ाई करने का मैं रात को पढ़ाई करता हूँ तीन से चार बजे तक पढ़ाई करता हूँ रात का तो सुबह जनरली मैं लेट उठता हूँ दस बजे तक तो मेरा सुबह का उतना था अब हाँ असाइनमेंट्स या फिर कुछ काम होता था, था जिस दिन मैं गलती से जल्दी उठ गया उस दिन मैं कॉलेज चला जा जाता था, था क्योंकि फैकल्टी मेम्बर्स को भी अपना चेहरा दिखाना है दूसरी बात ये हो जाता है कि आप लोग उसको उस पीरियड को उस जो टाइम टेबल में क्लास है ना उसको ज़्यादा प्रेफर करेगा जो सी में आ रहा है जैसे टैक्सेशन हो गया जीएसटी हो गया या फिर आपका अकाउंट्स हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया मतलब बहुत सारे क्लासेज क्लासेज ऐसे होते हैं ना जो सी का बहुत ज्यादा सिमिलर सब मतलब कोर्स का सिलेबस सब चीज सेम है तो आप उस कोर्स को उस क्लास को कभी मिस मत करेगा क्योंकि आपका जो फैकल्टी मेंबर्स जो आपको पढ़ाएंगे वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा लेंगे एट प्रेजेंट जितने भी आपका सी फैकल्टी मेंबर्स है अब यहाँ पे YouTube भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है रोल आपका सी एग्जाम में जैसे कि आप लोग YouTube में जाएंगे तो ऑनलाइन वहाँ पे हजारों आपको चैनल मिल जाएगा लेकिन मैं आपको नाम बताता हूँ कि मैंने किस किस से पढ़ाई किया था इनकम टैक्स एंड जी एस टी सी ए जसमीत सिंह से पढ़ाई किया था अकाउंट्स का सी ए नितिन गोयल से पढ़ाई किया था ऑडिट का मैंने सी ए कपिल गोयल से पढ़ाई किया था लेकिन आपको देखो यार इतना ज़्यादा आपको देखने का जरूरत नहीं है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस तरीका से आप लोगों को यहां पे एक अम्ब्रेला हेड में सारे चीज मिल जाएंगे मतलब कि आपको यहां पर रेगुलर टेस्ट भी मिल जाएगा बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स भी भी मिल right भी मिल जाएगा जाएगा राइट प्रिपरेशन मेंटरशिप और आप लोग इतने सस्ते में आप लोग पढ़ाई कर पाएंगे सीए इंटरमीडिएट का लेकिन अभी आप लोग को बताऊंगा कि मैं टाइम मैनेज किस तरीके से करना है सबसे पहले आप लोग को पता है कि सीए एक मैराथन है यहां पे आप लोग ऐसे नहीं भाग सकते कि आपको जल्दी से रिजल्ट नहीं मिल सकता आपको डिसिप्लिन आपका परसिवियर आपका पेशेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है सीए एग्जाम में जिस दिन मैंने फर्स्ट सी में एनरोल किया था ना उस दिन में अपना कसम खा लिया था कि मुझे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना है अपना सी का जर्नी में ताकि जिस समय भी मैं एग्जाम दूँ उसमें फर्स्ट अटेम्प में क्लियर कर जाऊँ मेरा एम तो पार्टी फोर में करने का ही था तो मैं उसको हमेशा से करना चाहता था टाइम मैनेज आपको करना पड़ेगा वो आपको समय के साथ सिखा दूंगा मैं यहाँ पे ना आपको टाइम टेबल बना दूंगा तीन बजे उठना है तीन दो में ब्रश करना है ऐसा बना दूंगा दो दिन आप फॉलो करेंगे ऐसा नहीं होगा आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा खुद को कि आप लोग क्या करना चाहते हैं सुबह पढ़ना चाहते हैं या फिर रात को पढ़ना चाहते हैं या, है, या फिर शाम को पढ़ना चाहते हैं आप लोग को खुद से टाइम देखना पड़ेगा मैं जब भी फ्री पीरियड रहता था ना मतलब जो भी ब्रेक होता था बिटवीन क्लासेस मैं लाइब्रेरी चले जाता था सी क्लास सी बुक लेके और उसको पढ़ाई करता था जो मेरे बी ऑनर्स में नहीं है अब मान लीजिए मेरे पास कॉर्पोरेट लॉ है दोनों में से ही में लेकिन मान लीजिए ले मेरा ईआईएस एसएम ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सीबीकॉम ऑनर्स में नहीं है लेकिन हमारा सीए कोर्स में तो मैं उस सब्जेक्ट को बिटवीन द गैप्स ऑफ द टू क्लासेस में पढ़ लेता था तो इस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा कुछ दिनों का अगर हार्डशिप आप कर लेंगे ना ओनली 6 मंथ्स और अगर आपको मतलब कि लिटरली आप लोग इस तरीके से पढ़ाई करेंगे डिसिप्लिन लेके मतलब एंजॉय करो खुद को रिवॉर्ड दो अगर आपने टास्क कंप्लीट कर लिया खुद को रिवॉर्ड दो आप पनिश करो जब आपने टास्क कंप्लीट नहीं किया तो आप लोग कर पाएंगे सबसे पहले टाइम मैनेज करना सीखो आप लोग एक हफ्ता का ना एक टारगेट बनाओ एक हफ्ता का अगर आप टारगेट पूरा कर लेंगे ना तो आप टाइम मैनेज कर लेंगे फोर्स कोर्स और अटेंडेंस मैं बार बार बोलता हूँ अटेंडेंस कभी भी मिस मत करना कॉलेज का वो क्लासेस को मिस कर लेना जो कि आपको रिलेवेंट नहीं लगता है सी जर्नी में वो अटेंडेंस आप लोग छोड़ सकते हैं लेकिन ऐसा भी मत छोड़ देना कि फैकल्टी मेंबर्स को शकल ही ना तो उसका भी मार्क्स है पांच नंबर आपको उसका पीछे भी भागना पड़ता है तो कोर्स और अटेंडेंस हमेशा से ध्यान रखना कि आपको इसका चलाना है रेगुलर कॉलेज में है तो आपको अटेंडेंस मिस नहीं करना है दूसरी बात आता है कि आपका रेगुलर टेस्ट बेस्ट फैकल्टी मेंबर, पेपर प्रॉपर मेंटरशिप देखो तो जब भी लाइव क्लास में आप आते हैं ना ऑनलाइन बहुत लोग मेरे से ऑनलाइन ज्यादा पढ़ाई नहीं होता लेकिन ऐसा भी क्लास है जहां पर आप लोग ऑनलाइन आते हैं ना तो एक एक डाउट सॉल्व किया जाता है क्योंकि डाउट इंजन बनाया गया है यहाँ पे सी वाला लेट बाय अलग पांडे सर ने लॉन्च किया है जहाँ पे आप लोग को उद्देश्य बैच इंटरमीडिएट के लिए लॉन्च किया है इन्हें जहाँ पे आप लोग को ग्रुप वन ग्रुप वन प्लस ग्रुप टू प्लस मॉक मास्टर टेस्ट सीरीज ये आपको 999 में मिल जाता है अब देखो मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है सिंपल ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ यहाँ पे यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स है जिसका मैंने नाम लिया है सी ए जसमीत सिंह जो मेरे को जो टैक्सेशन और जीएसटी पढ़ाते हैं मुझे आज भी मेरे हिस्ट्री में आप खोल के दिखा सकता हूँ कि मैंने उनका रिविजन लेक्चर बहुत बार देखा है नितिन गोयल सर जो बहुत अच्छा अकाउंट्स पढ़ाते हैं लिटरली इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना कि मतलब आपको अकाउंट्स का रट्टा हो जाएगा मतलब पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं आपको याद हो जाएगा बहुत ज्यादा अच्छा तगड़ा क्लियर कराते हैं ये गुरप्रीत सिंह मतलब कि उनका जो नाम है ना बहुत ज्यादा फेमस है उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक भी लाए हैं अंकित मुद्रा लिटरली उनके भी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ऑल इंडिया रैंक है मतलब आपको एक अम्ब्रेला में सारे सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा लिटरली इस बार आपका सेविंग्स जो है lakh, मतलब कि हर का आप एवरेज ट्वेंटी थाउजेंड करके अगर आप आठ सब्जेक्ट कर लेंगे ना मतलब 1 लाख पार हो जाएगा 1 लाख आपको सिर्फ 10,000 में मिल जा रहा है यहां पे अगर आप मेरा कूपन कोड UJ200 यूज करते हैं तो आपको टू हंड्रेड का डिस्काउंट भी मिल जाता है इंस्टेंट आप लोग को क्या करना है मैं आपको बताता हूं कि इसका फीचर्स क्या है सबसे पहली बात तो यहां पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिल जाते हैं मतलब जितना भी लाइव आ रहा है आप उसको रिकॉर्डेड का क्लासेस देख सकते हैं दूसरी बात यहाँ पे रेगुलर मॉक टेस्ट होता है मैं बार बार बोलता हूं मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं कोई भी चैप्टर सॉल्व कर रहा था ना मैंने उसका मॉक टेस्ट देता था चाहे वो एम टीपी आर टीपी और प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग करें और साथ ही साथ रेगुलर मॉक टेस्ट ये अपने अगर आप कर दिया मॉक टेस्ट कर दिया मतलब आपका 90% परसेंट चांस है कि आप लोग क्लियर कर देंगे एग्जाम टेस्ट रेगुलर का फिर सीए वाला जो क्लास लेंगे उद्देश्य बैच लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया यहां पे रेगुलर मॉक टेस्ट होता है विथ प्रॉपर इवेलुएशन आईसीआई का स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसका प्रॉपर इवेलुएशन होता है यहाँ पे आप लोग लिटरली हर एक क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे उसमें किस तरीके से रेगुलर मतलब सॉल्व करना चाहिए किस तरीके से आपने सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स भी दिया जाएगा पूरा रियल लाइफ बेसिस पे आई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइव क्लासेस मिल जाएगा डाउट इंजन जो है वो बनाया गया है जो आपका डाउट जो भी रहेगा वो सॉल्व किया जाएगा बाई सी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बेस्ट फैकल्टी में जैसे मैंने नाम लिया और प्रॉपर मेंटरशिप होगा यहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट भी सिखाया जाएगा कोर्स किस तरीके से आप लोग हैबिट क्लियर कर पाएंगे पढ़ाई करने का सारा चीज सिखाया जाएगा ना मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जहां पे आपको एनरोल करना है यूजे टू हंड्रेड यूज करना है ताकि आप लोग को टू हंड्रेड का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए एंड लिटरली ग्रुप वन प्लस ग्रुप टू मॉक टेस्ट सीरीज आपको नाइन में माइनस टू हंड्रेड कूपन कोड लगाने से कहला मतलब आपको बहुत सस्ता पड़ जा रहा है लाख रुपया का खर्चा आपको एक अम्ब्रेला मिल जाएगा एक अफोर्डेबल प्राइस में

दूसरी बात एक चीज प्रॉमिस करना कि जो लोग करना चाहते हैं ना सीए बनान सीए कमेंट करो सी ए अपना नाम सीए के आगे लगाना जैसे कि मेरा नाम उजो शर्मा है तो मैंने कमेंट करूंगा सी एजो शर्मा आप लोग कमेंट करिए मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करो मैं जितना भी सीए बनना चाहते हैं ना फ्यूचर सीए उनका मैं देखना चाहता हूं कि किस तरीके से जब आप लोग सी ए बन जाएंगे ना और ये कमेंट बाद में आप देखेंगे ना कि पांच साल पहले मैंने कमेंट किया था चार साल पहले मैंने कमेंट किया था बहुत अच्छा एक फीलिंग आएगा आप लोगों को क्या करना है एनरोल करना है इस बैच में उद्देश्य बैच में फॉर मे 2024 थाउजेंड एंड ट्वेंटी यहां पर इंपॉर्टेंट है कि मे 2024 के लिए ये लॉन्च हो रहा है यहां पे आपको बहुत तगड़ा तरीके से यहां पे आपको बहुत चाहता लाइव रिकॉर्डेड बचेज मॉनसर टेस्ट प्रॉपर इवेल्यूशन होगा आपको बेस्ट फैकल्टी में मिल जाएगा जाकर एनरोल करो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर करिएगा लाइक करेगा एम करते हैं हंड्रेड लाइक्स के लिए आज के लिए बस इतना ही मिलता है अगले वीडियो में तो बाय